नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली उपद्रव परीक्षण, लाल किले में हिंसा करने वाले पर राजद्रोह का केस दर्ज, किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर पुलिस लगातार दूसरे दिन एक्शन में है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, यानी वे बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकेंगे, उनके पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। वहीं एक घंटे बाद खबर आई है कि लाल किले में हिंसा करने वालों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि लुकआउट नोटिस किन किन नेताओं के खिलाफ जारी हुई है और राजद्रोह में किन किन के नाम हैं, लेकिन लुकआउट नोटिस के मामले में सूत्रों का कहना है कि 37 नेताओं के खिलाफ जो है पुलिस ने बुधवार को एफआईआर दर्ज की थी, उनमें से 20 के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के सिंघो बॉर्डर पर किसान 2 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्हें खुद विरोध की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने 1 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघर खोलने के दिए दिशा निर्देश। कोविड-19 को लेकर अनलॉक में अब और मिलेगी राहत। देश में कोरोना महामारी को लेकर लगाई गई पाबंदियों में ढील के तहत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें स्विमिंग पूल को अब सभी के लिए जो है खोलने और सिनेमाघरों में पूरी दर्शक संख्या के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अभी तक स्विमिंग पूल सिर्फ जो खिलाड़ियों के लिए और सिनेमाघरों को 50% दर्शक संख्या के साथ ही खोलने की अनुमति है। हालांकि झारखंड सरकार ने अब तक सिनेमाघर खोलने का फैसला नहीं लिया है। अनलॉक के नया दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से अहमदाबाद के लिए 1 फरवरी से शुरू होगी फ्लाइट। इंडिगो की यह विमान सेवा 27 मार्च तक के लिए होगी। कोरोना के बाद बंद पड़ी तमाम विमान सेवाएं फिर से शुरू हो रही है। इसी कड़ी में रांची से अहमदाबाद के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। 1 फरवरी से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी। इंडिगो अथॉरिटी ने इसकी अनुमति दे दी है। इंडिगो की यह विमान सेवा 27 मार्च तक लिए होगी। इसके साथ ही रांची अब एक नए सेक्टर से जुड़ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब 31 के बाद भी चलेगी गंगा दामोदर समेत दूसरी ट्रेन। इस तारीख तक मिला एक्सटेंशन। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग 31 जनवरी के बाद नहीं हो रही है। रेलवे ने इस ट्रेन को 31 जनवरी तक ही एक्सटेंशन दिया था। ऐसे में यात्रियों में यह जिज्ञासा है कि ट्रेन 31 जनवरी के बाद चलेगी या नहीं, तो बस आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ गंगा दामोदर एक्सप्रेस ही नहीं, स्पेशल बनकर चल रही सभी यात्री ट्रेन आगे भी चलती रहेगी। इन ट्रेनों को बंद करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि रेलवे फरवरी से कुछ और ट्रेनों को चलाने पर विचार कर रही है। पूर्व मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, धनबाद टाटानगर स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस, धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर शुरू की तैयारी। अब अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में भी होंगे मैट्रिक इंटर के सेंटर। जैक ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में इस वर्ष स्थापना अनुमति प्राप्त में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर भी चर्चा की गई है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 30 जनवरी तक 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या अंतिम रूप से जैक को भेजने को कहा गया है। जैक द्वारा फरवरी में 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग, झारखंड में सिर्फ 60% टीकाकरण, बिहार और उड़ीसा हमसे आगे। झारखंड में कोरोना का टीकाकरण लगाने के लिए केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। राज्य में 48 केंद्रों पर टीका लगाने का काम शुरू हुआ था, अब 95 केंद्रों पर टीका लगाए जा रहे हैं। बुधवार को जो है 5587 डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया। हालांकि जो है 9414 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, यानी टीकाकरण सिर्फ जो है 59% रहा। रांची के 6 केंद्रों पर 432 लोगों को टीका लगे, जबकि सबसे ज़्यादा 745 लोगों को पलामू में टीका लगाए गए। इसमें से 22 लोगों को मामूली साइड इफेक्ट दिखा है। राज्य में अब तक जो है 18422 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हालांकि अब तक जो है 30831 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो पिछले 24 घंटे में 70 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना के 70 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची व धनबाद से 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक जो है कोरोना से 1066 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक जो है 118495 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से जो है 116706 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। राज्य में इस समय कोरोना के एक्टिव केस 723 हैं। नए संक्रमितों में बोकारो से 2, देवघर, गढ़वा, गुमला, रामगढ़ से 1-1, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 11, खूंटी से 2, कोडरमा व पलामू से 3-3, रांची से 38 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं जो है राज्य में 117 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में शिक्षक की हैवानियत दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय छात्रा को जहर देकर मार डाला। झारखंड के पलामू में एक शिक्षक की दरिंदगी ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। पहले तो शिक्षक ने 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, बाद में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। इधर इस घटना के बाद आरोपी पारा शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर HMCS में भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। इस घटना से शिक्षक और छात्र के पवित्र रिश्ते की हर तरफ आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैग ने निकाली बम्पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। आधिकारिक सूचना कैग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिक्त विवरण, योग्यता और अन्य जो है विवरणों के लिए kag.gov.in पर देख सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए 19 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ने जो है 10,811 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू की है। इनमें जो है ऑडिटर यानी लेख परीक्षक के जो है 6,409 पद और जो है 4,402 पद अकाउंटेंट यानी लेखाकार के लिए हैं। कैग ने इस भर्ती सूचना संबंधित जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट kag.gov.in पर जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार कैग यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की वेबसाइट से अधिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेजुबान हाथी की मौत पर अफसरों में छिड़ी जुबानी जंग। वन विभाग व जिला प्रशासन आमने सामने। पलामू बाघ परियोजना में पालतू हाथी काल भैरव को 2 जंगली हाथियों ने मार डाला। मौत के लिए कौन दोषी है, इस पर अफसरों में जुबानी जंग छिड़ी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे को हदें बताई जा रही है। बरवाड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय के बयान को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन आमने सामने है। पलामू बाघ परियोजना के उप निर्देशक ने इस संदर्भ को लेकर लातेहार के उपायुक्त को पत्र लिखा है और प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशंसात्मक कार्रवाई का आग्रह किया गया है। उपायुक्त को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि बरवाड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मीडिया में बयान दे रहे हैं कि इस मामले में बेतला रेंज के कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2 एक्सप्रेस वे बनेंगे, दोनों ओर 8 फुट ऊंची जो है गार्ड वॉल रहेगी। रांची से कोलकाता की दूरी 130 किलोमीटर घटेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को झारखंड में 2 इकोनॉमिक ग्रीन जो है कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दे दी है। 15 दिनों पहले मिली स्वीकृति के बाद अब रांची से जो है सबलपुर तक और धनबाद से जो है रायपुर तथा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये दोनों एक्सप्रेस वे देश में अनूठे होंगे क्योंकि इन पर जो है जानवरों के लिए अलग से जो है ओवरपास बनेंगे। इससे वे जंगल में सुरक्षित आ जा सकेंगे। साथ ही जो है एक्सप्रेस वे के दोनों ओर 8 फुट ऊंची गार्ड वॉल रहेगी ताकि दुर्घटना ना हो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी ऐसे जो है ओवरपास व गार्ड वॉल बन रहे हैं। 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के टाना भक्तों के लिए खुशखबरी, बनेंगे 3 कमरों के पक्के मकान। राज्य के टाना भक्तों के लिए 543 आवास स्वीकृति किए गए हैं। चतरा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और रांची जिले के लिए ये आवास स्वीकृति हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने कुल 620 आवासों के लिए अस्थायी जो है प्रतीक्षा सूची बनाई थी। इसमें से 42 के आवेदनों को अयोग्य पाया गया है, यानी PM आवास योजना के तहत जो है आवास पाने के लिए ये आवेदक अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे। ऐसे में इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। वही 35 ऐसे आवेदक थे जो आवास लेने के लिए इच्छुक नहीं थे या योजना के लिए ज्यादा राशि की मांग कर रहे थे। ऐसे में 543 आवेदकों को ही जो है लाभुक बनाया गया है। स्वीकृति आवासों में कुछ में काम शुरू कर दिया गया है, शेष पर काम शुरू करने की प्रक्रिया की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।